गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आफ्टर समर वेकेशन प्लस वन क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक है आज, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से पहले आप जो टॉप कर रहे थे वो यूनिट थी आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टॉपिक था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आपकी व्यापार। एक आपकी व्यापार, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक बंदे का सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदे का बिजनेस, अकेले का, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, अकेला बंदा ही पैसे लगा रहा है, अकेला बंदा ही हर चीज के लिए क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीट बिजनेस उसी का है, अकेले बंदे का। उसके अकॉर्डिंग अकेले बंदे का ही जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो उस अकेले को ही मिलेगा। उसके अलावा किसी का भी उसके अंदर कोई वो नहीं होता। एक जो हमारा एकांकी व्यापार है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी कि इसमें एक बंदे का पैसा होता है, लिमिटेड कैपिटल लगती है, इसमें जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है उस बंदे की, कि अगर कोई लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे ही वो लॉस कंप्लीट करके देना पड़ेगा, चाहे वो अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के दे रहा है या कहीं से भी दे रहा है, तो वो लॉस उसे कवर अप करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी एकांकी व्यापार की, जिसकी वजह से हमारे पास और भी बिजनेस की फॉर्म्स को भी हमारे पास आगे हमें हमारे पास आई, जिसमें नेक्स्ट है आपके पास जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, साझेदारी। एकांकी व्यापार की जो लिमिटेशंस थी उनकी वजह से पार्टनरशिप हमारे सामने आई। पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी है, कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं, एक बंदे का बिजनेस नहीं होता, इसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर होते हैं। अगर दो से कम हो गए एक तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आ जाता है, बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। पार्टनरशिप क्या है? एक फॉर्म है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन विच टू और मोर पर्सन्स, यहां पे टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, एक व्यक्ति अगर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो जाएगा, इसीलिए दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पर्सन विलिंगली अपनी इच्छा से, विलिंगली अपनी इच्छा से क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं टू रन ए लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस जो कानूनी रूप से सही है, ऐसा बिजनेस करना जो अनलॉफुल है, जो कानून की नजर में बिजनेस सही नहीं है, उसके लिए नहीं, जो लॉफुल बिजनेस है, जो कानून की नजर में ठीक सही है, ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलते हैं और उस बिजनेस को रन करते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो इस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, उस बिजनेस को रन करते हुए जब उसे चलाते हैं तो वो पार्टनरशिप में आता है। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो है हमारा 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए इस एक्ट के अंडर सरकार से हमें परमिशन मिलती है, और इसके अंडर रजिस्टर करवाने के लिए
हमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, जो हमारी पार्टनरशिप के जो भी है रूल रेगुलेशन है या कुछ भी है जो हमें उसके अंदर इंक्लूड करना है कि हम कितने पार्टनर हैं, हमारी फर्म का नाम क्या है, हमारे फर्म के रूल्स क्या होंगे, हमारा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका फैसला कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी हम अपने रिटन फॉर्म में अगर उसे देते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होने के बाद हमारी पार्टनरशिप लीगल हो जाती है। और इन फ्यूचर अगर हमारी पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है या समथिंग कुछ होता है तो वो भी उसका फैसला भी हमारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो पार्टनरशिप जब दो को एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू और मोर पर्सन विलिंगली ज्वाइन होते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी जो विशेषताएं हैं, फर्स्ट जो है स्टेट्यूटरी जो आपकी फीचर्स होती हैं वो करेंगे पहले हम। इसमें नंबर वन पे आपके पास आता है मोर देन वन पर्सन। More than one person. किसी जब पार्टनरशिप की बात हो रही है तो एक व्यक्ति किसी का भी पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप के लिए मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन आपको कराई थी उसमें भी आपको बोला था टू और मोर देन टू पर्सन। तो जो इसके पार्टनरशिप में वन पर्सन जो है वो किसी का पार्टनर नहीं हो सकता, वो सोल प्रोप्रेटरशिप में आता है, इसलिए मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज्यादा, टू और मोर। इसमें अलग अलग आपको लिमिट्स दी जाती हैं, मिनिमम टू और मैक्सिमम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम टू और मैक्सिमम 50, और जो आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं उनमें मिनिमम टू और मैक्सिमम की लिमिट नो लिमिट तक दी जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर कहा जाए कि मोर देन वन पर्सन यानी एक व्यक्ति जो है वो किसी का पार्टनर नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। इसलिए पार्टनरशिप के अगर फीचर्स देखें तो उसमें मोर देन वन पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका मोर देन वन पर्सन के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में किसी बिजनेस का होना भी जरूरी है। हम पार्टनर बने हैं, चार पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, पर किस लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसके लिए बिजनेस के एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। और उसमें एक चीज और हम देखेंगे कि वो बिजनेस जो है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल काम के लिए अगर कोई दो या चार मेंबर मिलके कोई काम कर रहे हैं वो इलीगल है, तो उस तरह के इलीगल वर्क को हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जो बिजनेस है, जो जिसका एग्जिस्टेंस है, वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून की नजर में वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत काम के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए एक लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। उस बिजनेस को रन करने के लिए हम क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं और उस बिजनेस के आगे उसे चलाते हैं। तो इसलिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम क्या करें, बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जो पार्टनर हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या बनते हैं, पार्टनर्स बनते हैं। और उन पार्टनर्स को के लिए उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना, एक अनुबंध का होना जरूरी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो वो पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है जो वो एक बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मॉडल। कुछ भी हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनर बन रहे हैं, वो किस लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए। और अगर हम बिजनेस को रन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा,
प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एंड शेयर प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होती है तो वो एक अकेले का बिजनेस है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो उस अकेले बंदे का है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो प्रॉफिट मोटिव उनका आता है, जो प्रॉफिट होगा वो एक अकेले का नहीं होगा, वो सभी पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, प्रॉफिट है या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी में लास्ट जो है आपका वो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन में जो पार्टनर्स हैं वो एक ही टाइम पे एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल का भी रोल करते हैं। वो कैसे कि एक पार्टनर के कोई अगर एक्ट है तो वो अपने एक्ट से क्या कर सकता है, दूसरों को बाउंड कर सकता है। और जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अगर एक पार्टनर कुछ कह रहा है तो अगर वो यस नहीं करेंगे तो वो एक अकेला पार्टनर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कोई नया पार्टनर लेके आना है बट चार पार्टनर है, तीन की यस है बट फोर्थ पार्टनर जो है वो अगर नो कर रहा है तो फिफ्थ पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। वो एक ही पार्टनर अपने उस एक्ट से सभी को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। और इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक ही टाइम पे प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि सभी की यस से एक बाउंड हो जाता है और अगर एक यस नहीं कर रहा है तो उसकी यस या नो भी डिपेंड करती है अदर पार्टनर्स के ऊपर। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे आते हैं जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में जो है वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही है, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही यहां पे भी जो हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसके लिए जो हमारे पार्टनर्स हैं या जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वही क्या है, लायबल है, उसे पे करना पड़ेगा, चाहे उसे अपनी पर्सनल संपत्तियां देकर भी पे करना पड़े। तो यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसका फीचर भी सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, एक अलग से पार्टनर की कोई भी इंडिविजुअल सेपरेट कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि अगर एक पार्टनर कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, अगर बाकी पार्टनर्स उस चीज के लिए रेडी नहीं है तो वो काम नहीं होगा पार्टनरशिप में। लाइक पहले तीन पार्टनर्स हैं, एक नए पार्टनर को अगर एंटर करना है, जब ये तीनों यस करेंगे तो ही ये नया पार्टनर पार्टनरशिप में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आ सकता। अगर एक नो कर रहा है तो भी नहीं आएगा, जब तक तीनों की यस नहीं होगी तब तक क्या है, नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई भी सेपरेट इंडिविजिबिलिटी नहीं होती उसकी, इसलिए सभी पार्टनर्स के यस करने पर ही, सभी पार्टनर के एग्री होने पर ही नया पार्टनर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। एटमोस्ट गुड फेथ, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में फेथ होना बहुत जरूरी है। बिजनेस को रन कर रहे हैं सभी पार्टनर्स हैं, कोई वर्किंग पार्टनर भी होता है कोई नॉन वर्किंग पार्टनर भी होता है, तो उनके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बीच में विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तभी उनका बिजनेस जो है पार्टनरशिप का अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा। और एक लास्ट है इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या उनका शेयर जो भी होता है उसके ऊपर क्या होता है,
रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक चार अगर पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर यदि अपना शेयर किसी और को देना चाहता है या सेल करना चाहता है या अपने इंटरेस्ट को किसी को अपने बेटे को पार्टनरशिप में लाना चाहता है, तो जब तक इन सभी की यस नहीं होगी तब तक वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके ट्रांसफर करने पर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। तो सोल प्रोप्रेटरशिप में एक अकेले का बिजनेस था, वहां पे जितने भी डिसीजन थे सभी उस अकेले के थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ट्रांसफर करने के ऊपर। क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि अपने इंटरेस्ट को वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे उसके जितने भी वर्क होंगे, जितने भी कार्य होंगे, वो सभी क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं बाकी पार्टनर्स की यस या नो के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब तक सभी पार्टनर्स की यस नहीं होगी तब तक वो उस काम को नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू और मोर पर्सन विलिंगली अपनी इच्छा से ज्वाइन होते हैं रन करने के लिए एक बिजनेस को। दो क्या होना चाहिए, जो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो कानून की नजर में सही होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को या कोई इलीगल काम करने के लिए यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी वो ठीक नहीं होगी, कानून की नजर में उसे मान्यता नहीं मिलेगी। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो है 1932, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने रूल रेगुलेशन को जब रिटर्न फॉर्म देते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। और उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही इन फ्यूचर हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसके जो फीचर्स थे वो दो तरह के थे जो हमने किए। तो उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट जो है हमने बिजनेस के ही बारे में, पार्टनरशिप के बारे में करेंगे कि हमारी कितनी तरह की होती है, जो हमारा कल का टॉपिक होगा। ओके स्टूडेंट्स।